Hello you all, welcome back. We were doing importance of water chapter number 7, science of class 5. We have seen the content. In that we have done the importance of water for animals. Now today we will do importance of water for plants. After that we will do water availability in nature. In that we will do groundwater, ways of drawing out groundwater and water supply. Then we have done the introduction. Then do you know the importance of water for animals? Hope you understand. Now importance of water for plants. प्लांट्स को भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि प्लांट्स को वेरियस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. दे रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिशन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ. उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो इसलिए उन्हें वेरियस न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. Plants absorb water from the soil with the help of their roots. अब प्लांट कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे? हमने क्या किया, एक प्लांट लगाया, मीन्स एक प्लांट है, हमने उसको क्या किया, पानी दिया. पानी देने के बाद जो सॉइल है, हमने सॉइल पे तो पानी दिया, अब सॉइल से पानी रूट्स में कैसे जाएगा, अब प्लांट में कैसे जाएगा? जो हमारी मिट्टी होती है ना, मिट्टी के नीचे उनकी रूट्स होती हैं, तो रूट से वो क्या करेगा, मिट्टी क्या करेगा, पानी को सोखेगा. देन क्या करेगा रूट, उससे पानी लेके अपने पूरे प्लांट्स में सप्लाई करेगा. और एब्जॉर्ब वाटर और वाटर ट्रांसपोर्ट, जो एब्जॉर्ब वाटर होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हर एक पार्ट ऑफ प्लांट को पहुंचाता है. ये उन्हें अपना खाना बनाने में भी बहुत हेल्प करते हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी के अभी देख लीजिए, बस इतना सर्च कर लीजिएगा प्लांट्स क्लास 5 पार्ट 1 बाय स्टडी एकेडमी 98, यू विल गॉट अवर वीडियो. आफ्टर दैट लेट्स मूव फर्दर. कंटिन्यू करते हैं. वाटर बहुत सारे प्लांट्स का हैबिटेट है और ऐसे प्लांट्स को हम लोग एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं, जैसे वाटर लिली, वाटर हाइसेंस, डकवीट, वाटर लेट्यूस एंड हाइड्रिला. ये एक्वाटिक प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट इमेज लोटस की है. यस, फर्स्ट इमेज लोटस की है, सेकेंड इमेज इज ऑल्सो लोटस एंड थर्ड इमेज आपको पता है किसकी है? थर्ड इमेज है, यस थर्ड इमेज है लोटस के बर्ड की, जिससे हमारा फूल खिलता है लोटस का, उसका बर्ड की इमेज है. फोर्थ में वाटर हाइसिंथ है और जो आपको लास्ट इमेज दिख रही है वो क्या है, डकवीड है. वाटर हाइसिंथ के बाद जो आपको कर्ली फ्लावर जैसा दिख रहा है, फ्लावर जैसा, वो क्या है, वो वाटर लेट्यूस है. एंड हाइड्रिला वाटर लेट्यूस के जस्ट साइड में है. ओके, तो मैंने आपको सारी इमेज बता दी क्या क्या है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपको ये सब पानी में मिलेंगे. ओके, और जो हमारा डकवीड होता है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट फ्लावर भी कहलाता है. और आपको ये जनरल नॉलेज लेके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. अगर आपको कोई क्वेरी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड. इन नेक्स्ट एपिसोड वी विल डू द एवेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर, यस एवेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ह्यूमंस. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.